हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का श्रग बनाएंगे। 32 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है 32, और फ्रंट में मैंने डोरी का गैप रखा है। इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज किया है 3 mm, और ये मैंने इसके लिए वूल यूज की है। 3 प्लाई की ये वूल है। तो 32 चेस्ट साइज के लिए इसे मैंने बनाया है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से रख कर देखेंगे तो ये देखिए, ये 15 इंच है। टोटल राउंड इसका 30 हो जाएगा, ये 15 है, 30 हो जाएगा टोटल राउंड। लेकिन वूल स्ट्रेचेबल होती है, जब आप इसे पहनेंगे तो यही शर्ग, ये देखिए 16 का हो गया 16 का, तो टोटल इसका राउंड फिर 32 हो जाएगा, 32। तो ये इस हिसाब से मैंने ये 32 चेस्ट साइज के लिए बनाया है। और ये जो इसमें पैटर्न है, ये देखिए, ये ट्रायंगल के इसमें पैटर्न बनते जाते हैं। 45 45 मैंने इसके टोटल राउंड के पैटर्न रखे हैं इस तरह के। 10 मैंने फ्रंट साइड के लिए, इस साइड के लिए रखे, 10 मैंने इस साइड के लिए रखे हैं, तो ये 20 हो गए। 25 मैंने बैक साइड के लिए रखे हैं, 25 10 10, और बैक साइड के 25। तो इस हिसाब से ये हमारे पास 45 45 टोटल पैटर्न है। तो फ्रंट के लिए मैंने 20 रखे हैं, बैक के लिए 25 रखे हैं, क्योंकि एक हमारी ये किनारी आ जाएगी तो ये 21 21 हो गए, एक इस तरफ किनारी आ जाएगी तो ये 22 22 हो गए, और 3 का हमने यहाँ पर गैप रखा है, तो 22 और 3 25। इस हिसाब से मैंने बैक के लिए 25 रखे हैं और फ्रंट के लिए 20 रखे हैं। अगर आप यहाँ पर डोरी गैप रखना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप रखिए। फ्रंट से बैक के लिए आप 5 पैटर्न एक्स्ट्रा रखे, 5 फ्रंट से, जैसे यहां पर 20 है और बैक के लिए 25 है, 25। और फ्रंट के लिए जो हमारे पास 10 पैटर्न है, 10 में से मैंने 3 नेक की तरफ कम किए हैं, 2 मैंने आर्म होल की तरफ कम किए हैं, तो ये 5 कम हो गए और 5 ऊपर जाकर हमारे पास ये बचे हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये नेक की और इसकी कटाई रखी है। नेक में यहां पर 3 हमारे पैटर्न, फ्रंट में मैंने डोरी रखी है तो उतना नेक हमारा वैसे ही खुल जाता है 3 पैटर्न के लिए, तो इसलिए मैंने 3 3 इसके यहाँ दोनों तरफ कम किए हैं। 3 का ये है, तो टोटल फ्रंट जो हमारा नेक है यहाँ पर, ये 9 पैटर्न खुल जाता है। ये तो हो गया 32 चेस्ट का मेजर। लेकिन अगर आपने इसको इससे नेक्स्ट साइज में बनाना है जैसे, तो उसके लिए आपको 4 पैटर्न एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4। एक इस साइड के लिए हो जाएगा, एक इस साइड के लिए हो जाएगा, 2 बैक साइड के लिए हो जाएंगे, तो 4 पैटर्न आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो नेक्स्ट साइज आपका बनेगा। 4 पैटर्न जो है मेरे, ये देखिए, ये 2.5 इंच बनते हैं, 2.5 इंच। जो 2 पैटर्न है ये 1 1/4 इंच, ये देखिए 1.25 इंच बनते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, आप अपने हिसाब से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट साइज के लिए। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने सभी साइजेस का हिसाब बताया है, वहां से देखकर भी आप इसे किसी भी चेस्ट साइज में बना सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। ये देखिए, ये नीचे से और इसके बैक साइड, ये जो, ये देखिए, इस पैटर्न का ये श्रग है। तो ये वाला जो पैटर्न की टोटल रो है हमारी, ये मैंने आर्म होल तक 20 रखी है, 20 आर्म होल के बाद 10 रखी है, 10। कोई श्रग को लंबा पसंद करता है, कोई थोड़ा शॉर्ट में पसंद करता है, तो ये यहां पर मैंने इसकी साइड लेंथ है, जो यहां से लेकर यहां तक आर्म होल तक 20 रो बनाने के बाद आर्म होल स्टार्ट किया है, तो इतना बनाने से ये 18 1/2, ये देखिए 18 1/2 इंच इसकी साइड लेंथ आई है। आप अगर आपकी हाइट कम है या आप थोड़ा शॉर्ट में श्रग पसंद करते हैं तो 17 17 रो बनाने के बाद आप आर्म होल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद मैंने इसकी 10 रो बनाई है, 10, और 10 रो बनाने पर ये 7 1/2 इंच इसकी लेंथ आई है शोल्डर की। तो इसी तरह से अगर आपको शोल्डर थोड़ा कम चाहिए तो आप 9 रो बना सकते हैं। और जो इस श्रग का सेकंड पार्ट है उसका लिंक आपको मैं दे दूंगी फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट का लिंक हम सेकंड पार्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, और इस स्टोरी का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए हम ये श्रग बनाना शुरू करते हैं। श्रग बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन स्टिच से चेन बनाएंगे, तो ये क्रोशिया हम इस तरह से यहां पर
डालेंगे, इन दोनों को पकड़ लेंगे इस तरह से, फिर ऐसे घुमाया इसे। तो ये दो बार घुमाने से हमारे पास एक चेन बनती है, फिर हमने इसको खींच लिया तो एक चेन बनी। ये दो तीन, ये देखिए चेन किस तरह से बनाते हैं, चार ऐसे निकाल दिया, पांच छः सात आठ नौ 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर 181 मतलब 181 चेन बनाएंगे हम। तो ये 181 मैंने चेन बनाई। इसके बाद हम एक चेन और लेंगे और यही वाली एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक दो तीन चेन लेंगे, फिर हम तीन स्किप करेंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है, इस तरह से ये हमारे पास होल बनते जाएंगे। ये देखिए फिर से एक दो तीन चेन ली, जब हमने तीन चेन लेने के बाद ये देखिए एक दो तीन, फोर्थ में हमने जब बनाना है तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, तो ये ऐसे खींच जाएगा धागा, यहाँ पर होल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये होल नहीं बना है, तो ये होल कैसे आप कर सकते हैं इसको ठीक, आपने ये ऊपर वाला एक धागा नहीं उठाना, इसको हमने यहाँ नीचे से उठाना है, इससे ये दो धागे आएंगे। ये देखिए स्टिच के क्रोशिया के ऊपर दो आए हैं, दो धागे उठाएंगे फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये लूप यहाँ पर खींचेगा नहीं ये हमारा। एक दो तीन, एक दो तीन और फोर्थ में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से आप ये रो कंप्लीट कर ले। लास्ट में जाकर भी हमने इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। तीन चेन ली हमने और तीन हमने स्किप की और लास्ट वाली में फोर्थ चेन जो है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से ये हमारा हमारी रो कंप्लीट हुई। तो इस तरह के ये इसमें लूप्स आ गए। तो ऐसे लूप्स मेरे पास 45, 45 लूप्स ऐसे मेरे पास बने हैं। अब हम वर्क टर्न करेंगे। शुरू में हम चार बार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, एक बार धागा घुमाया फिर एक बार और घुमाया, तो ये हमारे क्रोशे हुक के ऊपर तीन हो गए धागे। अब इसके बाद ये जो हमारे पास लूप्स हैं इनमें हमने क्रोशे वर्क करना है। ये लूप में हम इस तरह से डालेंगे, ये चार हो गए, पहले दो निकाल लेंगे, तीन रह गए, फिर दो निकाल लेंगे, दो रह गए हमारे पास, तो इनको भी हमने निकाल दिया। अब फिर से हमने सिर्फ हमने जब पहला स्टिच लूप में पहला स्टिच जब हमने बनाना है तब हमने दो बार धागा घुमाना है, बाद में हम एक बार धागा घुमाएंगे। अब हमने एक बार लेना है, एक बार लिया हमने, इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए सबसे नीचे यहाँ ये सेंटर में है ऊपर है, तो हमने नीचे वाले दो ऐसे उठा लेने हैं धागे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार और धागा घुमाएंगे और यही वाले फिर से दो लूप्स उठाएंगे, यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह का ये पैटर्न आएगा। इसके बाद एक चेन लेंगे, वन चेन, फिर हमने एक बार घुमाया फिर दो बार घुमाया और फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर से इसी तरह का पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे बनाया, ये चार हो गए, पहले दो निकाल दिए। जब हम इसके बाद डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये वाले दो लूप्स को हमने उठाना है, फिर
फिर इनको निकाल दिया, फिर इनको निकाल दिया। ये वाले दो लूप्स को ही हमने उठाना है जब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर हम एक बार धागा घुमाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इनको दो को उठाएंगे, एक चेन बनाएंगे, तो ये इस तरह के पैटर्न बनते जाएंगे। ये एक बार, ये दो बार, दो बार हमने धागा घुमाया और ये लूप में हम क्रोशे वर्क करेंगे। चार हो गए, पहले दो निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, धागा घुमाएंगे। और यहाँ पर शुरू में जो हमने बिल्कुल नीचे ये वाले दो धागे उठा लेंगे हम, इनको उठाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार धागा घुमाएंगे, फिर इन्हीं दो धागों को उठाएंगे। ये देखिए, ये दो धागे उठाए हमने, इन दोनों को निकाला इस तरह से। फिर एक बार हमने चेन ली, फिर दो बार हमने घुमाया इसको, फिर नेक्स्ट लूप में बनाएंगे। एक बार घुमाएंगे अब, दो को उठाएंगे, इस तरह से तीन हो गए, ये दो रह गए। ये हमारा डबल क्रोशिया है। और यहां पर हम दो बार धागा घुमाते हैं तो उससे ये स्टिच लंबा बन जाता है, जो पहला हमारा स्टिच है। इसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। एक बार और देख लें आप, एक बार धागा घुमाया, दो बार धागा घुमाया। ये जो लूप है, नेक्स्ट लूप में हमने क्रोशिया हुक डाला, तो ये चार हो गए हमारे पास। चारों में से पहले दो निकाल दिए, तीन रह गए, फिर दो निकाल दिए, दो रह गए, फिर दो निकाल दिए, एक रह गए। अब हमने एक बार धागा घुमाना है, पहला स्टिच में हमने दो बार घुमाना है, उसके बाद हम दो जो बनाएंगे डबल क्रोशिया उसमें हमने एक बार धागा घुमाना है। अब हमने धागा घुमाया और शुरू में ये जो है दो हमने धागे यहां से उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यही वाले दो स्टिच उठाएंगे डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से ये फिर आप रो कंप्लीट कर लें। हर होल में हमने ऐसे पैटर्न बनाना है। तो लास्ट लूप में आ गए हम, यहाँ पर भी आकर हमने इसी तरह से पैटर्न बनाया। ये दो उठाकर हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, ये देखिए इस तरह से। अब हमने लास्ट में फिर से दो बार धागा घुमाना है। और शुरू में जो हमने यहाँ पर एक चेन ली थी, यहाँ पर हमने एक चेन शुरू में ली थी रो स्टार्ट करने के लिए, उस चेन को हमने उठा लिया और यहाँ पर हमने, ये देखिए चार हो गए, पहले दो निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, और फिर हमने दो निकाल दिए। तो इस तरह से ये रो हमारी एंड इस तरह से होगी। अब हम क्रोशे वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो हमने बनाया है क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन, यहाँ पर हम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, एक दो तीन चेन ली, और फिर अब हमने ये जो हमारे लूप्स हैं यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन। सिंगल क्रोशिया में हम धागा नहीं घुमाते, यहाँ पर हम धागा नहीं लेंगे क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर हम लूप में ऐसे धागा लिया, दो हो गए, दो से हमने एक कर दिया। तो इस तरह के अब लूप इनके ऊपर आते जाएंगे, ये जो हमने ट्रायंगल्स बनाई हैं तो इनके ऊपर इस तरह से लूप्स बनते जाएंगे। एक दो तीन, एक दो
एक दो तीन, तो इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो के लास्ट में आ गई मैं, एक दो तीन चेन ली हमने, तीन चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया हम कहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए, ये जो हमने बनाई है ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, एक दो तीन, थर्ड है ये यहाँ पर, ये देखिए ये थर्ड चेन है, यहाँ पर हमने नहीं बनाना, जो इसका लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर नहीं बनाना, हमने नेक्स्ट ये जो है यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर आकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। हमने जो इसका ये तीन है हमने बनाए हुए, तीन में लास्ट वाले के ऊपर नहीं बनाना, हमने उसके बाद जो चेन है वहां पर हमने बनाया, ये देखिए फिर से, तीन चेन लेकर हमने एक दो तीन स्किप करेंगे, फोर्थ में हमने बनाना है। शुरू में जो चार की चेन बनाई है ये वाली, तो फोर्थ वाली चेन के ऊपर हमने यहां पर आकर इसे ज्वाइन करना है, वर्क टर्न करेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे, एक दो बार धागा घुमाएंगे और फिर से हम ये वाली रो रिपीट करेंगे, यहाँ पर ये दो निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, तो इससे ये लंबा हमारा स्टिच बन जाता है। फिर हम धागा लेंगे और ये शुरू वाले दो उठा लेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक बार दो बार धागा घुमाएंगे और नेक्स्ट हम लूप में फिर से हम दो, ये देखिए तीन रह गए, दो रह गए और एक रह गए। अब हमने एक बार धागा घुमाना है, सिर्फ हमने एक बार ही, ये जो पहला लंबा स्टिच बनाते हैं तब हम दो बार धागा घुमाते हैं, उसके बाद हम सिंगल ये डबल क्रोशिया बनाते हैं एक बार धागा घुमाकर। एक चेन लेंगे, तो इस तरह से ये पैटर्न फिर बनता जाएगा, इसके ऊपर ये आ जाएगा और लास्ट में आकर जैसे हमने पहले बनाया है उसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो रो के लास्ट में आ गई मैं, ये लास्ट दो लूप पड़े हैं अभी। और एक बात थोड़ा आप ध्यान रखें कि यहां पर आपने जो ये बनाना है दो बार धागा घुमाकर, इसे थोड़ा हमने लंबा स्टिच कर लेते हैं, ये देखिए काफी लंबा हो गया है, इसे आपने थोड़ा खींच के नहीं बनाना, ये देखिए अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसे फिर से ये छोटा ही रह जाएगा, थोड़ा हमने इसे ऐसे खींच लेंगे, खींच के बनाएंगे तो ये थोड़ा लंबा स्टिच बनेगा। फिर से देखिए, ये देखिए यहां से हमने क्रोशिया हुक डाला, यहां से पकड़ के हम पहला स्टिच हमने ऐसे डाल लिया, इसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे, फिर थोड़ा खींच लेंगे, तो इस तरह से ये लंबा स्टिच बनता है। लंबा स्टिच बनने से ये इस तरह के जो पैटर्न है ये ज्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए यहां से ऐसे, यहां से पकड़ के हम खींच लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा हम लंबा स्टिच बनाएंगे ताकि हमारे पैटर्न ज्यादा अच्छे दिखे। लास्ट में एक चेन लेकर एक बार धागा घुमाया, दो बार धागा घुमाया और शुरू में जो हमने एक चेन ली है वहां पर हम क्रोशिया हुक डाल के ये इस तरह से बना लेंगे, फिर वर्क टर्न करेंगे और उसके बाद सेम कंटिन्यू होगा, एक हमने चेन ली और यहां पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चेन लेंगे और यहां पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से आप बनाते हुए आर्म होल तक बना लें। ये देखिए इस तरह से ये हमारा श्रग बनता जाएगा। तो आर्म होल तक मैंने श्रग बना लिया है, ये देखिए इस तरह का ये दिखाई देता है। और इन पैटर्न की रोज को हम गिनेंगे अगर, तो ये 20 मैंने बनाई है सारी,
20 मैंने रो बनाई है, और 20 रो बनाने पर ये देखिए यहां से देखेंगे तो 17 इंच, 17 इंचेस की लेंथ आई है आर्म होल तक। आप लंबा बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसके लिए एक नेक के लिए और आर्म होल के लिए हम स्टिच घटाएंगे। तो इसे हमने श्रग की तरह फोल्ड कर लिया। ये देखिए ये जो ट्रायंगल के पैटर्न बने हैं 1 2 3 4, तो ये सारे पैटर्न मेरे पास टोटल अगर हम देखेंगे तो ये 45 है, 45। 10 हमने एक साइड के लिए रखे हैं फ्रंट साइड के लिए, 10 हमने दूसरी साइड के लिए रखे हैं, तो ये 20 हो गए, और 25 मैंने बैक साइड के लिए रखे हैं। 10 10 20 और 25 बैक के लिए 45 हो गए। तो फ्रंट के लिए हमने 10 इसलिए रखे हैं, जैसे फ्रंट में हमने 20 रखे हैं, बैक के लिए 25 रखे हैं, 5 बैक के लिए हमने ज्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि यहां पर आधे इंच की जब हम इसकी किनारी बनाएंगे आधा इंच यहां पर कवर हो जाएगा, इधर से भी आधा इंच कवर हो जाएगा, तो ये इतना तो ये कवर हो जाएगा इस तरह से। तो ये 3 पैटर्न रह जाएंगे यहां पर, ये डोरी के लिए गैप रहेगा। तो ये देखिए ये सारे श्रग में इस तरह से लूप्स आए हैं, यहां पर हम किनारी बनाएंगे, इसी तरह से हम नेक के ऊपर भी किनारी बनाएंगे। तो अब हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 के बाद हमने एक मार्कर लगा लिया है। यहां पर आप कोई भी मार्कर लगा सकते हैं, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 के बाद हमने मार्कर लगा लिया, 10 के बाद हमने यहां मार्कर लगा लिया। तो इतना अब हम बनाएंगे आगे वाला हिस्सा, और बैक की हम स्टिच बाद में घटाएंगे। तो ये 20वीं रो है मेरी, 20th रो है ये, तो 20th रो में मैं यहां पर आई हूं। 20th रो के बाद हम जो बेस रो बनाएंगे, ये जो ट्रायंगल हम बनाते हैं इसके लिए, ये हम बैक जो नीचे चेन वाली रो बनाते हैं ये इसकी बेस रो है, तो बेस रो आप इसी तरह से बना लें। एक चेन ली हमने, यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी हम ये बेस रो बनाएंगे ट्रायंगल के लिए, इसको मैं बेस रो कहती हूं, उसका बेस है, तो बेस रो हमने हमेशा रॉन्ग साइड से बनानी है। जब आपने आगे नेक की गटाई भी डालनी है तो कईयों को ये प्रॉब्लम आती है, तो बेस रो हम हमेशा बैक साइड से बनाएंगे, रॉन्ग साइड से बनाएंगे, और जब हम ट्रायंगल वाली रो बनाएंगे तो ये हम हमेशा राइट साइड से बनाएंगे। तो आप यहां तक आप इसी तरह से आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक मैंने बनाया। यहां पर हमने मार्क लगाया है 10 पे, यहां तक हम नहीं जाएंगे, एक हम यहां पर छोड़ देंगे, यहीं से टर्न लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 चेन लेकर यहां पर हम ट्रायंगल का पैटर्न बनाएंगे, उसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे यहां पर। एक चेन लेंगे और यहां तक आप इसी तरह से बना लें। ये 21st रो है हमारी ट्रायंगल वाली, तो यहां तक आप आ जाएं। तो ये 21वीं रो है हमारी, 21वीं रो में हम नेक की तरफ आ गए, 2 बार धागा घुमाया, और ये लास्ट में हमने यहां पर हमने नेक के लिए स्टिच घटाने हैं पहली बार। तो यहां पर हम क्या ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ये 2 रह गए हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर, यहीं से हमने आगे बनाना है। यहां पर हम फिर ऐसे 1st 2 निकाल देंगे, डबल क्रोशिया हमने बनाना है, धागा एक बार लेकर जैसे हम बनाते ही हैं 2 निकाल देंगे, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया हमने हर बार, तो ये 4 हो गए हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर, 1st 3 निकालेंगे। ये देखिए 1 2 3 बार हमने बना लिया जैसे हम 1 2 3 बार बनाते हैं, तो अब हमने 3 निकालने हैं, 3 निकाल दिए, फिर हमने ये 2 निकाल दिए। तो यहां पर हमारे कुछ स्टिच कम हो गए, जैसे यहां पर ये देखिए 1 2 3 है, तो 3 का हमने 1 बना दिया। एक चेन लेंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे और
और यहां पर हम फिर से बनाएंगे, वर्क टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड में एक बार चेन लेंगे। एक बार चेन लेकर हम यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन अब हमने क्योंकि नेक के स्टिच घटाने हैं तो यहां पर नहीं बनाएंगे, ये हमने जो ट्राइंगल जो घटाई है हमने तीन का हमने एक किया है वहां पर हम बनाएंगे, यहां नहीं बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर वही है, तीन चेन लेंगे और बेस रो बनाएंगे, यहां तक हम इसी तरह से बनाएंगे, लास्ट वाला छोड़ देंगे। लास्ट वाला हमने ट्राइंगल छोड़ दिया, यहां पर भी ये देखिए एक हमने यहां छोड़ दिया था तो ये नौ रह गए थे, अब हमने एक यहां पे छोड़ दिया तो ये आठ ही दरवारे रहेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, एक दो तीन चार, चार चेन लेकर फिर से हम यहां पर पैटर्न बनाएंगे, एक चेन लेंगे और नेक की तरफ आप यहां तक आ जाए इसी तरह से। तो नेक की तरफ ये मेरा ट्रायंगल की रो कंप्लीट हो गई है। ये जो लास्ट हमारा लूप है ये देखिए यहां पर भी हमने ये पूरी ट्रायंगल बनाई है, जैसे ये लास्ट रो है इसमें हमने हाफ ट्रायंगल बनाई है, कंप्लीट नहीं बनाई है, तीन का हमने एक किया है लेकिन यहां पर हमने कंप्लीट बनाई है। एक बार हम इनकम्प्लीट बनाएंगे फिर कंप्लीट बनाएंगे, फिर हम इनकम्प्लीट बनाएंगे फिर कंप्लीट करेंगे इसको, तो एक रो छोड़ के हमने आधी ट्रायंगल इनकम्प्लीट बनानी है। ये देखिए आधी बनाई पूरी बनाई, फिर आधी बनाएंगे पूरी बनाएंगे फिर आधी और फिर पूरी, तीन हम पैटर्न यहां पर कम करेंगे। तो अब हमने यहां पर एक चेन लेनी है, दो बार धागा घुमाएंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया है ये वाले लूप के साथ वाला सिंगल क्रोशिया, यहां पर हम इसे ये क्रोशिया हुक डालेंगे, यहां एंड में जाकर नहीं डालेंगे, तो इससे यहां पर एक चेन और कम हो जाएगी। देखिए इस तरह से वर्क टर्न करेंगे, एक चेन लेकर हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन सिंगल क्रोशिया, यहां पर ये आर्म होल की तरफ एक हमने कम किया है पैटर्न, दूसरा हमने यहां पर कम किया है। अब इसके बाद हमने और इस तरफ कोई डिक्रीज नहीं करना, तीन हमने लिया है तीन चेन लेकर, लास्ट वाले के ऊपर भी हमने यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाया, तो आर्म होल की घटाई हमारी खत्म हो गई है, ये दो पैटर्न हमारे कम हो गए। वर्क टर्न करेंगे, दो तीन चार चेन लेकर यहां पर पैटर्न बनाएंगे और यहां तक आप इसी तरह से आ जाएं। तो नेक की तरफ आ गए हम, यहां से ये देखिए ये हमारी 20th रो है, ये 21st 22nd और 23rd, 23वीं ये रो है, 23वीं रो में हमने फिर से यहां पर हमने आधी ट्रायंगल बनाई है, यहां पर पूरी बनाई है, अब हम फिर से आधी बनाएंगे या पूरी के ऊपर हम आधी बनाएंगे, तो आधी हमने उसी तरह से बनानी है। ये देखिए ये दो बार धागा घुमाया हमने, तो ये दो रह गए, स्टिच को हमने कंप्लीट नहीं करना, स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे, अब एक बार धागा घुमाएंगे, फर्स्ट टू निकाल देंगे, ये तीन हो गए, फिर से एक बार धागा घुमाएंगे, फर्स्ट टू निकाल देंगे, तो ये चार हो गए, एक दो तीन हमारे हो गए जो ट्रायंगल के हम क्रोशिया बनाते हैं, तो फर्स्ट थ्री निकाल देंगे, फिर हम दो का एक बना देंगे, एक चेन लेंगे, दो बार धागा घुमाएंगे
और यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने आधी ट्रायंगल बनाई, ये हमने पूरी आधी बनाई, पूरी बनाई, फिर आधी बनाई। अब फिर हम पूरी बनाएंगे, वॉक टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर जब हम आधी ट्रायंगल बनाएंगे तब हमने यहां पर इसे ज्वाइन नहीं करना। जब हम आधी ट्रायंगल बनाएंगे यहां ज्वाइन नहीं करेंगे, एक चेन लेकर आगे हम ज्वाइन करेंगे जो हमने आधी ट्रायंगल बनाई है उसके ऊपर। सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, एक दो तीन चेन लेंगे, तो आगे इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहां से आप टर्न लेकर यहां नेक की तरफ फिर से आ जाए। तो ये 24th रो है, 24th रो में नेक की तरफ हमने आकर फिर से, ये देखिए यहां पर हमने आधी ट्रायंगल बनाई है, तीन का एक किया था, यहां हम पूरी बनाएंगे। पूरी ट्रायंगल हम इस तरह से बनाते हैं जो हमने सारे श्रग में पैटर्न बनाया है। जब हम आधी ट्रायंगल बनाते हैं तब हम तीन का एक बना देते हैं, एक चेन, दो बार धागा घुमाएंगे और यहां पे इसे डालेंगे, यहां आगे नहीं डालेंगे, यहां पर क्रोशिया हुक डालकर इस तरह से हमने बना दिया। आधी पूरी, आधी और ये पूरी आ गई। एक चेन लेंगे, तो आप फिर इस तरफ जाए और फिर वापस आ जाए नेक की तरफ। 25th रो है, 25th रो में हम 25वीं रो में नेक की तरफ आ गए, चेन ली हमने। अब हमने ये देखिए यहां पर हमने पूरी ट्रायंगल बनाई हुई है, अब हमने आधी बनानी है, दो दो को हमने कंप्लीट नहीं किया, फर्स्ट टू निकाल देंगे, तीन हो गए, फर्स्ट टू निकाल देंगे, चार हो गए, फर्स्ट थ्री निकाल देंगे, दो रह गए तो एक हो गया। एक चेन लेंगे, तो इस तरह से ये देखिए आधी ट्रायंगल बनती है इस तरह से। अब हमने यहां नहीं डालना, जब हम आधी ट्रायंगल बनाएंगे तो उस वर्क को टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में, हमने यहां नहीं बनाना, फिर हमने आधी ट्रायंगल के ऊपर बनाना है, जो उसके ऊपर चेन है वहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आप आर्म होल तक जाए और घूम के फिर यहीं तक आ जाए। तो ये 26th रो है, 26वीं, 26वीं रो में हम नेक की तरफ आकर ये लास्ट जो लूप है यहां पर बनाएंगे पैटर्न, पूरी ट्रायंगल बनाएंगे, चेन लेंगे और पूरी ट्रायंगल जब बनाएंगे हम तो उसके साथ वाले यहां पर सिंगल क्रोशिया में हमने इसे ज्वाइन करना है। वर्क टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे हम, तो ये देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच, पांच अब रह गए हमारे पास पैटर्न, तो ये पांच आगे कंटिन्यू होंगे, अब कोई डिक्रीज नहीं होगा नेक की तरफ। यहां से देखेंगे हम, एक हमने पहले ये देखिए आधी ट्रायंगल पूरी, फिर आधी, फिर पूरी, फिर आधी, फिर पूरी, तो तीन हमने ट्रायंगल इसमें कम किए हैं इस तरफ, तीन हमने पैटर्न इस तरफ कम किए हैं, दो हमने पैटर्न इस तरफ कम किए हैं, तो पांच कम हो गए, 10 हमारे पास यहां पर थे तो ऊपर जाकर ये पांच हो गए, पांच आगे जाके कंटिन्यू होंगे। एक चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन, तो आगे हमने इसी तरह से यहां तक जाना है फिर वापस आना है। तो ये 27वीं रो है, 27th, 27th में ये देखिए 26 में हमने पांच बनाए थे, इसके ऊपर हमने पांच बना दिए, यहां पर हमने कोई कम नहीं किया, तो इसके बाद 28th, 28वीं और 29वीं रो आप इसी तरह से बना लें।
एक चेन लेकर हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया। तो इसके बाद दो रो सेम बनेंगे। तो नेक की कटाई कंप्लीट हो गई मेरी, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने 20 रो बनाई है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9 रो बनाई है मैंने नेक के लिए जो घटाई बनाई है। तो अगर आप थोड़ा आर्म होल या नेक थोड़ा बड़ा चाहते हैं तो आप 10 रो बना लें, 10 रो बना लें। ये लेफ्ट साइड है, जब आप श्रग को पहनेंगे तो ये हमारी लेफ्ट साइड बनेगी। तो इसी तरह से हम राइट साइड की भी घटाई बनाएंगे। ये श्रग का फर्स्ट पार्ट है, बाकी का श्रग हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे।